तो एग्जाम्पल नंबर 5 को हमने यहाँ पर 6 नंबर के नाम से सेव किया। अच्छा, एक कंसेप्ट के बारे में यदि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपने लिखा x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20 और आपने करवा दिया प्रिंट x प्लस y, तो इस कंडीशन में तो एग्जाम्पल नंबर 6 का आउटपुट बिल्कुल 30 आकर क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया है। लेकिन यदि हमने क्या करा कि 10 और 20 को डबल कोट में लिखा, और डबल कोट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हमेशा क्या होता है, डेटा कॉन्केटनेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस कंडीशन में डेटा कॉन्केट होगा, मतलब 1020 आउटपुट आकर डिस्प्ले होगा एग्जाम्पल को यदि हमने यहाँ पर रन करा। पूरा क्लियर है? तो अभी ये जो पॉइंट है बिल्कुल यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो एक काम करो, ए इक्वल टू हमने लिखा 10 और वी इक्वल टू लिख दिया 20, और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट a+p। तो इससे कंडीशन पर जब आपने डबल कोट का यूज़ करा, स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में डेटा क्या होता है, कॉनकेटनेट होता है, इसलिए कितना आ रहा है, 1020। और जब आपने डायरेक्टली पुट करा तो इस कंडीशन पर वो तो क्या मानेगा, इंटीजर मानेगा, और इंटीजर में तो हमेशा एडिशन ही होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर 30 आउटपुट आकर डिस्प्ले होने वाला है। तो इतना कंसेप्ट सभी ध्यान से नोट करिएगा। और यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 6 को हमने यहाँ पर सेव करा 7 नंबर के नाम से, और हमने क्या करा कि एक फंक्शन बनाकर तैयार करा, और क्लियर डेफ कीवर्ड से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, और फंक्शन का नाम हमने दे दिया यहाँ पर सम। और सम नाम के फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल लिए, एक्स और वाई, और प्रिंट हमने करवा दिया यहाँ पर डबल कोड में सम इक्वल टू कॉमा करके x+y। ओके डन। हमने क्या करा, यहाँ से एक वेरिएबल या एक्स इनपुट, और हमने लिखा यहाँ पर एंटर नंबर 1, और हमने वेरिएबल या वाई हमने लिखा यहाँ पर इनपुट एंटर नंबर 2। तो यहाँ पर जो यूज़र पहला नंबर एंटर करेगा वो एक्स वेरिएबल के पास और दूसरा नंबर वाई वेरिएबल के पास आकर स्टोर हो जाएगा। फिर हमने क्या करा कि यहाँ से सम नाम का फंक्शन कॉल करा। यहाँ पर अब ज़रूरी नहीं है एक्स वाई ही लेना है, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, आपको ए भी लेना तो आप ए भी ले सकते हैं। आपने यहाँ पर पास कर दिया ए कॉमा बी को। अच्छा ठीक है, अभी सपोज यूज़र ने यहाँ से इनपुट करा 15 और यहाँ से यूज़र ने इनपुट करा 17 या फिर 37, जो भी है। तो एक्स के पास कितना आ गया 15, और मतलब ए के पास कितना आ गया 15 और बी के पास कितना आ गया 37। आपने ए और बी को यहाँ पर पास करा, तभी इस कंडीशन में यहाँ पर जो ए वेरिएबल है इसका वैल्यू आपका किसके पास चला जाएगा, एक्स के पास, और जो बी है उसका वैल्यू किसके पास चला जाएगा, वाई के पास। पूरा आता है समझ में इतना? ठीक है, मतलब ए के पास यहाँ पर कितना है 15 और बी के पास यहाँ पर कितना है 37। तो एक्स के पास 15 आ गया और वाई के पास कितना आ गया 37, और दोनों का एडिशन होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अभी इनपुट नाम का फंक्शन जो वैल्यू को रीड करता है वो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म में होती है, स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो इस कंडीशन पर ए के पास जो 15 आएगा वो किस फॉर्म का आएगा, स्ट्रिंग के फॉर्म का, और जो बी के पास 37 आने वाला है वो भी किस फॉर्म में आने वाला है, स्ट्रिंग के फॉर्म में आने वाला है। और स्ट्रिंग में जब आप एडिशन करते हो तो डेटा क्या होता है, कॉन्केटनेट होता है, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट आकर क्या डिस्प्ले होने वाला है, 1537। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि इनपुट नाम का फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रिटर्न करने वाला है वो किस टाइप की होने वाली है, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की, और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एक्स वाई के पास जाएगी, तो एक्स वाई किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। और स्ट्रिंग में जब भी डेटा एडिशन ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो डेटा क्या होता है, कॉन्केटनेट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल को हम यहाँ पर रन करते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 7 है और हमने इसे यहाँ पर क्या कर दिया, रन कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आकर कितना डिस्प्ले होगा, एंटर नंबर 1। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल को हम फिर से यहाँ पर रन करते हैं, एंटर नंबर 1 मैसेज आकर डिस्प्ले हो गया। हमने एंटर कर दिया यहाँ पर नंबर 22,
और सेकंड नंबर सपोज हमने एंटर कर दिया 55, तो इससे कंडीशन पर 22 55 यहाँ पर आउटपुट आकर डिस्प्ले हो गया है। तो इतना कंसेप्ट सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी जो हमारा यहाँ पर एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम ये चाहते हैं कि आउटपुट जो आपने वैल्यू दिया है उसका एडिशन होकर आउटपुट आकर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। पहले इतना एग्जांपल नोट करिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल में बताएंगे कि हमें स्ट्रिंग में कॉन्केट हो रहा था, हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ जी, तो अभी यहाँ पर जो हमने वैल्यू पास की 22 और 55, तो क्या हो रहा है, आउटपुट में कॉन्केट होकर आउटपुट आकर डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि इनपुट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो ए और बी के पास कंटेंट स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है और स्ट्रिंग में डेटा कॉन्केट होता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें स्ट्रिंग को क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। देखो, ए के पास स्ट्रिंग टाइप का कंटेंट आ रहा है तो उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमने कुछ लिखा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए ए, और कन्वर्ट होकर वो एक्स के पास जाकर क्या होगा, कॉपी होगा, और इंटीजर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कितना, बी, और वो कन्वर्ट होकर किसके पास जाकर कॉपी होगा, बाई के पास। तो इंटीजर में यहाँ से कंटेंट हम कॉपी कर रहे हैं, तो एक्स और वाई किस टाइप की होंगी, इंटीजर टाइप की होंगी, और इस कंडीशन में जब एडिशन होगा, तो यदि आपने सपोज यहाँ से पास करा है 22 और यहाँ से पास करा है 55, तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो आउटपुट है 22 55 का एडिशन 77 आकर क्या होने वाला है, डिस्प्ले होने वाला है। एग्जाम्पल को यदि हम यहाँ पर रन करते हैं, तो आपने 22 और 55 यहाँ पर एंटर करा तो 77 आउटपुट आकर डिस्प्ले हो गया है। एग्जांपल ध्यान से नोट करके लिखिएगा।